एंटिगुआना बेंटन का एक ऐसा एलियन था जिसे हमने पहली बार बेंटन 1000 को बनते हुए देखा था, और इसके बाद से इस एलियन का क्रेज बेंटन फैंस के बीच इतना ज्यादा बढ़ गया था कि आगे चलकर एंटिगुआना हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन और बेंटन ओमनीवर्स, यहाँ तक कि बेंटन ओमनीवर्स के अल्टरनेट डायमेंशन 23 में भी एंटिगुआना हमें देखने को मिलता है। पर इसके बाद भी एंटिगुआना की स्टोरी को कभी भी बेंटन में रिवील नहीं किया गया, और इसीलिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ एंटिगुआना की ओरिजिन और इससे छुपे हुए सभी फैक्ट्स और पावर्स। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना, एक एक करके सारी बातें जानेंगे। तो तरीके से सुलझाने वाला था। तो भाई देखो, एंटिगुआना की स्टोरी की शुरुआत होती है एंटिगुआना के प्लैनेट से जिसका नाम एग्नली होता है, और इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर ठंडे जीवों के लिए काफी अनुकूल होता है, और इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर ठीक वैसे ही बदलता और बढ़ता रहता है जैसे पृथ्वी का, क्योंकि ये प्लैनेट एग्नली भी वैसे ही सौरमंडल में घूमता है जैसे पृथ्वी, और इस प्लैनेट पर रहने वाले जीवों को पॉलर मन जार्डिल कहा जाता है जो ठंडे ब्लड वाले जीव होते हैं। इसके अलावा पोलर मंजार्डिल की और भी कई स्पीसीज हमें इस प्लैनेट पर देखने को मिल सकती है जिनके पास काफी कमाल के कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती है, जिससे वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन को फ्रीज कर सकते हैं, बर्फ शूट कर सकते हैं। इनके पास इतनी पावर होती है कि ये एक तालाब तक को आसानी से फ्रीज कर सकते हैं, यहाँ तक कि जलते लावा को ठंडा कर सकते हैं, और बिना किसी परेशानी के खड़ी दीवार पर चढ़ सकते हैं। और इनमें से कुछ खूबी हमने तब देखी थी जब पहली बार एंटिगुआना को बेंटन में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो एक बेंटन 1000 का अल्टरनेट फ्यूचर था जहां बेंटन 1000 इस एलियन का यूज करता है, जिसके बाद वो विलगैक्स को हराता भी है, और मेन टाइमलाइन के बैन के कहने पर वो इस एलियन का नाम भी रखता है, क्योंकि इस टाइमलाइन का बेंटन 1000 अपने एलियंस के नाम रखना छोड़ चुका था, और वो बैन के कहने पर इस एलियन का नाम एब्सोल्यूट जीरो रखता है। पर इसके बाद बैन सजेशन देता है कि इस एलियन का नाम एंटिगुआना सही रहेगा, और इसी के बाद से हम इस एलियन को एज अ एंटिगुआना के नाम से जानने लगे, जिसके बाद से ये एलियन एंटिगुआना वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया, जहाँ फिर हमें एंटिगुआना कैन के एपिसोड में दिखता है, तो कभी बेंटन के गेम्स में दिखता है, तो कभी बेंटन 1000 बेंटन अल्टीमेट एलियन में एंटिगुआना का यूज करता है, और इन सब के बाद एंटिगुआना हमें सीधा बेंटन ओमनीवर्स में देखने को मिलता है, जहां एंटिगुआना की हमें असली सभी पावर से वाकिफ कराया जाता है। पर बेंटन ओमनीवर्स में एंटिगुआना के लुक को काफी बदल दिया जाता है, जिसके बाद बेंटन का एंटिगुआना एल्पीडो और बेन 23 का एंटिगुआना सभी थोड़ा सा एक दूसरे से चेंज और डिफरेंट होते हैं। पर इसके बाद भी मुझे बेन 23 का एंटिगुआना बहुत अच्छा लगता है, जिसका नाम फ्रीज लिजर्ड होता है, और यहाँ तक तो सब कुछ सही था। पर जब एंटिगुआना का अल्टीमेट फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था, तो भाई सच में मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक का सबसे खराब ट्रांसफॉर्मेशन लगा है बेंटन का, जहां एंटिगुआना को लोग चाइनीज माल की तरह कर दिया जाता है, और मुझे तो ये बोलने में ही काफी अजीब सा लग रहा है। और इसके बाद एंटिगुआना के फैंस इतने ज्यादा नाराज हो गए थे कि जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बाद में बेंटन की फ्रेंचाइजी ने एंटिगुआना के अल्टीमेट फॉर्म को बेंटन में कभी दोबारा नहीं दिखाया। तो ये थी एंटिगुआना की कंप्लीट स्टोरी और इससे जुड़े हुए और छिपी हुई सभी बातें, और अगर कुछ मिस हो गई हो तो नीचे कमेंट में बता देना, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना। और इस वीडियो से रिलेटेड मैंने मेन क्लिप इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी है, जाकर जरूर देखना, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब मैं आपसे फिर मिलूंगा बेंटन के ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एंटिगुआना कूल cool.